हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। ऑल ज्ञान में आपका स्वागत है। और आज का ज्ञान कुछ कंप्यूटर और लैपटॉप के रिलेटेड है। तो आज मैंने डेल का, ये देखिए ये लोगो है, इधर डेल का इंस्पायरॉन 600M खोल के दिखाया है। एक्चुअली कहा कुछ कुछ जगह से ये मेरे से टूट गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये खोला है, ये देखिए ये टूट गया है। ये इसका पैनल है, ये भी इसका पैनल होगा शायद, ये इसका पैनल है। और कुछ चीज़ें मुझे यहाँ से मिली है, उसमें से पहले उसका माउस, ये देखिए क्या सिस्टम रहता है उसका माउस का, ये माउस का पीसीबी है, यानी पीसीबी मतलब इस पे ही सब माउस का कंट्रोल होता है। ये दो बटन है, ये तो इसे हम रख देते हैं साइड में। ये दूसरा है कीबोर्ड की पैनल, ये भी हमें मोबाइल में ये यूज़ कर सकते हैं ये वाला। और मैं मेरे अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि ये कीबोर्ड हम मोबाइल पे से फिट करके इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये कीबोर्ड रहा। थर्ड है ये फैन जो इधर फिट हो रहा है, ये मैंने निकाल लिया है। इससे हम जनरेटर टाइप बना सकते हैं, लेकिन ये अभी यूज में है। चौथा है ये उसका स्पीकर, ये यहाँ पे लगा हुआ, तो ये भी मैंने निकाल लिया है। इसमें दो स्पीकर है, सबवूफर नहीं है इसमें, ये इसकी पांच वायरें हैं, छह वायरें हैं। फिर बाद में ये है सीडी ड्राइव, ये भी डेल का है। इसमें लिखा है डू नॉट अप्लाई प्रेशर टू द टॉप ऑफ दिस मॉड्यूल, ओके। सो यहाँ पे हमें प्रेशर नहीं देना है, इसको दिस मॉड्यूल इज इजीली कंफिगरेबल सो कैन बी चेंज। सो इसे किसी भी तरह का शॉक या वाइब्रेशन नहीं देना चाहिए।
उसका स्टोरेज हो सकता है, ये भी शायद चालू होगा।